कप पटोला रख रहा है स्वैग सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ओ मुंडे होके भर दे तेनु तक तक के नचे जदो हाथ तू लक उत्ते रख के प्रॉपर पटोला नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. आज की इस खूबसूरत शाम में, इस ब्यूटीफुल इवनिंग में, मैं एंकर नेहा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आप सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. तो जब कोई खूबसूरत लगता है हमें उनकी तारीफ करनी होती है, तो मैंने तो तारीफ कर दी. मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियाँ हो जाए इस ब्यूटीफुल शाम के लिए एंड हमारे पूरे अग्रवाल पर. इतनी कम तालियाँ मुझे तो सुनाई, अब पीछे बैठे मेरे जितने भी मेहमान हैं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी है आज. लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए सभी लोग, उल्टा हाथ ऊपर, सब सब सारे के सारे एक बार सारे. कॉफी वॉफी सब साइड में रख दो, हेलो कर दो मेरे को एक बढ़िया सा. इतनी दूर से आई हूँ मैं यार, एक बार हेलो कर दो. दूसरा हाथ भी उठा लो, दोनों को मिला दो एक बार जोरदार ताली. थैंक यू. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खूबसूरत शाम में, इस बहुत ही प्यारी शाम में, जहां दो दिल बहुत जल्द मिलने वाले हैं. आज संगीत की संध्या है, बहुत जल्द शादी की वो शाम भी आएगी. बहुत ही प्यारी दुल्हन सजी होगी, डोली उठेगी, दूल्हा घोड़ी पे बैठेगा और अपनी दुल्हन को लेने निकल पड़ेगा. सो ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं जो ऊपर कहीं आसमान में भगवान तय कर देते हैं, बना देते हैं. क्योंकि हम सब ने सुना है कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं, परमात्मा बनाता है और हम सिर्फ उन्हें सजाते हैं, उन्हें उस रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं और एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के बीच प्रस्तुत करते हैं. तो ऐसी ही एक खूबसूरत जोड़ी बनाई है ईश्वर ने और उस जोड़ी के मिलन की ये खुशी आज हम हमारे हिंदू धर्म में ये रीति है, रिवाज है, ईश्वर को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हर काम बहुत ही खूबसूरत हो, शुभ हो और बहुत ही शांतिपूर्वक हो और बहुत ही आनंद आए. तो इस इवनिंग की शुरुआत करते हैं विद वेरी मेलोडियस गणेश वंदना. टू ब्यूटीफुल गर्ल्स आर कमिंग ऑन द स्टेज, एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर. तो जो परफॉर्मेंस करने आते हैं उनको एक अप्रिशिएशन मिलता है एंड हमारा ये फर्ज बनता है एज अ ऑडियंस कि हम उन्हें और अप्रिशिएट करें ताकि वो और एनर्जी के साथ अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रेजेंट करें. एक बार फिर मेरे पीछे खड़े साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, सीट सारी खाली पड़ी है, आप लोग आराम से बैठ करके ये फंक्शन एंजॉय कीजिए. एंड चलिए, एक यहाँ पर किचन में काम काम कौन करता है, किचन में काम कौन कौन करता है, एक बार हाथ उठा दीजिए. महिलाओं ने तो उठा दिया. कौन कौन जेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने खाना बनाया है, हाथ उठाएंगे. पीछे से एक सर ने उठाया. और कोई घर में, किचन में किस किसने काम किया है. अरे मैं खाना नहीं बनवाने वाली हूँ, इतना टेंशन मत लो. एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ किचन से जुड़ा हुआ, देखते हैं कौन जवाब देगा. ऐसी कौन सी खाने की सामग्री है जो तरल पदार्थ, तरल समझते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है और तरल ही किसी खाने की चीज में जाके, लिक्विड फॉर्म की किसी खाने की चीज में जाके सॉलिड बन जाती है, क्या चीज है. हाँ जी, बर्फ. बर्फ को तो फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रिज सॉलिड है जी. घी. घी कैसे हुआ, और क्या हुआ, और कोई आइडिया, एनी गेसेस. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पकौड़े. एक बार लड़की के लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां. बेटा मम्मी कितना काम कराती है घर में, आज सच बोल दो, तुम्हारी शादी अगली तुम्हारी होनी है. लड़की मिल गई हमें, सर्वगुण संपन्न, खाना वाना सब बना लेती है, सुंदर है, सुशील है. सो बहुत ही बढ़िया यार, बिल्कुल सही जवाब है. बेसन के घोल को जब हम ऑयल में डालते हैं तो पकौड़ियां बनती है. And I request all the family members, please be there and be the part of this lovely, beautiful entry of bride and groom. Once again, आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो प्यार का बंधन है ये अटूट है, ये बहुत ही खूबसूरत बंधन है
और ये जो रिश्ता है इसे हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी रिश्ते से। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन का रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, पर जो ये प्यार का रिश्ता होता है, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि इस रिश्ते को बोला जाता है सात जन्मों का रिश्ता। इसे सात जन्मों का रिश्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है कि एक दूसरे को ऐसे जोड़े रखता है, हर सुख में, हर दुख में, हर परेशानी में, हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ दिया जाता है। और ऐसा ही एक खूबसूरत रिश्ता आज बनने जा रहा है। अंकित एंड पलक हम सभी के बीच हैं और उनका तहे दिल से हम सभी बहुत 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 स्वागत करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में। लेकर के आए हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन को, ऐसी फीकी फीकी एंट्री तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्या बात है, एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर। ओए होए होए, क्या बात है, एवरीवन टुगेदर रेज योर हैंड्स अप एवरीबॉडी। भाई क्या बात है, डांस डांस आज बाहर निकल आना चाहिए सभी का डांस। बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस आने वाली है, बहुत सारा ड्रामा होने वाला है क्योंकि स्वीटी जो है वो आने वाली है एंड स्वीटी कोई और नहीं, यशवी और हैं उनके साथ अग्रिमा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए जो कि अपने ड्रामे से आप सबको पागल करने वाली है। डैम शो हैं। अगली परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं जो आप सबको घुमा देगी क्योंकि गाने के नाम ही है घूमर, तो सब लोग रेडी हो जाओ एकदम घूमने के लिए, झूमने के लिए क्योंकि आने वाली है बहुत ही ब्यूटीफुल दीदियां हमारी दूल्हे राजा की जो कि प्रेजेंट करेंगी एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जिसके बोल वापस आ जाइए। एक बार तालियां हो जाए जोरदार, थोड़ी सी आवाज शोर, पास पास में आ जाइए, इतनी दूरी कैसी। अब इतनी प्यारी प्यारी दीदियां हैं तो प्यारी प्यारी दीदियों से एक प्यारी सी ब्लेसिंग ले लेते हैं भैया के लिए, देखते हैं क्या कहती है। दीदी का नाम जानेंगे पहले, रीना, रीना दीदी हैं। रीना दीदी क्या बोलेंगे अंकित जी के लिए, कितनी मतलब कभी बाल बाल खींचे इन्होंने तुम्हारे? नहीं ऐसा होता है यार, मेरा भाई मेरे बहुत बाल खींचता है। नहीं बहुत प्यारा भैया है, छोटा है हमसे बहुत और बहुत खुश रहेंगे। अच्छा यहाँ तो मतलब यहाँ तो इन्होंने उनकी साइड ले ली, पता नहीं क्यों कितनी पेटी पैसे दिए हैं बताओ। ड्रेस तो उन्होंने, अच्छा सच में सीधा आप दीदी बताएंगी, दीदी नाम? सारिका। सारिका दीदी है, एक बार ताली हो जाए सारिका दीदी के लिए। वो तो बहुत प्यारा है, मतलब है सबसे प्यारा। ऐसा लग रहा है वो जो गाना बना है प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा, जब वो भी करेंगे तो ये वो ही प्यारा भैया है, देख लो इसे गौर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी जी आपका नाम? ही इज वेरी स्मार्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, विपी पूर्णे। अब बात है ये तो फुल एनर्जी में हमारी दीदी। और दीदी जी आपका नाम? सदा सुख रहे, खुशी रहे,
और यही दुआएं हम बहनों की सबकी। क्या बात है, जब बहनों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो एक बार तालियां हो जाए सभी बहनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। एंड अब बड़ों की परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर आ जाते हैं बच्चा पार्टी की तरफ। तो ये जो बच्चा पार्टी है, ये ऐसी वैसी बच्चा पार्टी नहीं है, ये वही बच्चा पार्टी है जो क्लास की लास्ट बेंच पे बैठती है और फिर टीचर्स को भी परेशान करती है और घर में मम्मी पापा को भी। तो बुला लेते हैं प्रणव, ऋषि, यशस्वी एंड सारांश और अनुज को, जो कि करने वाले हैं धमाल। और आप सभी का स्वागत। सो एवरीवन, बिना वेट किए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सारी किड्स पार्टी के लिए। करेंगे सबका स्वागत, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। एवरी वंस अगेन पुट योर हैंड्स अप, मेक सम नॉइज। असल पिल पाके ओ पलम तोड़ दे परम छोड़ दे घबराना। बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्योंकि लेकर आने वाली हैं मौसी जी। एक सेकंड, मौसी जी कहाँ भागी जा रही है, मतलब कैसी बातें कर रही हैं यार ये। मतलब इतनी खूबसूरत जिसकी बीवी हो उसका सैया दूर रह ही कैसे सकते हैं। बैठे सर एक बार ऊपर आ जाओ, तालियां हो जाए मौसा जी के लिए। अच्छा चलिए, नहीं आएंगे, शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। पर मैम सच्ची बता रही हूँ, मेनका जी भी फेल है आपके आगे। इतना अच्छा डांस करती है मैम, एक बार तालियां हो जाए मैम के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लोग स्टेज पे आ जाए जिन्हें एक से सौ तक गिनती आंसुओं का भी एक कॉम्पिटिशन, जिसमें कि एक बोलेगा इंग्लिश में गिनती तो अगला वाला बोलेगा हिंदी में गिनती और अगली गिनती। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कौन गणित में एक्सपर्ट निकलता है, मैथमेटिक्स खिलाड़ी कौन है यहाँ पर, और कौन सही सही इस गेम में आगे तक पहुंचता है। तो एक से स्टार्ट करेंगे मैम। वन, दो, तीन, आउट। इधर आओ, नीचे। कौन से ख्यालात में हो, गर्लफ्रेंड याद आ रही है? देखो माना कि मैं सुंदर हूँ, माना कि मैं सुंदर हूँ, पर ऐसे मत देखो कि गिनतियां भूल जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है। एक और बार करते हैं, यहाँ से वन से स्टार्ट करें। इस बार सही बोलोगे? पक्का लॉक कर दिया जाए? चलो, वन, दो, थ्री, चार, पांच, आउट। अब कोई नहीं, आप किसके ख्याल में थी, आप किसके ख्याल में थी। चलिए मैम आउट हो गए, आ जाइए नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, अरे कुछ भी बोल दो यार, अब स्टार्ट कर रहे हैं। फाइव, छः, सेवन, आठ, आउट आउट। इतना इतना टाइम नहीं देते हम। चलो आठ के बाद, नाइन, दस, इलेवन। तुम्हें बड़ी जल्दी है, माइक तुम्हारे तरफ है ही नहीं तुमको बोलने। पास पास में आ जाओ थोड़ा सा, एक बार गौर से देख लें तीन चेहरों को, देखते हैं कौन जीतेगा। एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे नौ से। टेन,
नौ से बोला तुम दस पे पहुंच गए, मतलब सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलिए कोई बात नहीं, दस से स्टार्ट करते हैं। दस, इलेवन, ट्वेल्व। मुझे लड़कियों से बहुत उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं मैम, आइए आगे आ जाओ। नाम रोशन करना है तुम लोगों को, माँ बाप घर पे पूछेंगे क्या करा तुम लोगों ने टेन तक, ठीक है? चलो तो कहाँ पे थे अपन, ग्यारह, बारह, थर्टीन, चौदह। ये तुम्हारी फो क्या होता है, फो चौदह, ये कौन सी गणित है? चलो तुम आउट हो गए, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, एक ही बार गलती माफ कर देगा। गुस्सा मेरा माइक गिरा गया। चलिए कोई बात नहीं, धोखे से हुआ है। आपका नाम? अनुराग। अनुराग, अनुराग के लिए तालियां। सो अब अगली जो परफॉर्मेंस आने वाली है, ताबड़ तोड़ धमाका होने वाला है, लिख के देती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आने वाले हैं अंकित जी जो हैं, उनके सभी एल्डर्स, मतलब उनसे सभी बड़े जितने भी हैं हमारे परिवार में, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता, मैं तो मानती हूँ ऐसा। तो जो अब बड़े आने वाले हैं वो अपने आशीर्वाद के रूप में अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर लाने वाले हैं। Everyone, तालियां वालियां हो जाए जोरदार, क्योंकि हम हैं अग्रवाल परिवार में और यहाँ हर पार्टी जोर से होती है और शोर। ये छोरे कर लिए गए, ओए होए, छोरे कर लिए गए, लड़ा छोरी तू मरवावे, क्या बात है। Everyone, तालियां बजा दे जोर जोरदार, क्या बात है। Thank you.
बैक टू बैक आए हमारे घर के सभी बड़े जो जितने भी कपल्स हैं अंकित जी से, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस आप सबके सामने प्रेजेंट की। तालियां जरूर नहीं बनती है इनके लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो चलिए एक ऐसी ही खतरनाक धमाकेदार खूबसूरत परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं, जो कि लेकर के आने वाली है हमारी बुआ जी, ताई जी और मामी जी एक साथ हमारे बन्ना और बन्नी के लिए। तो एक बार तालियां हो जाए वहां से। परफॉर्मेंस होने वाली है वो ब्राइड एंड ग्रूम की होने वाली है, एंड आज की शाम वाकई में इन्हीं दोनों के लिए हमने सजाई है, ताकि ये जो हम सबके मिलन की ये जो शाम है, लड़के वाले यहाँ हैं, लड़की वाले यहाँ हैं, और ये जो संगीत की संध्या होती है, ये एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे के साथ और घुल मिल जाने के लिए और प्यारा प्यारा वक्त गुजारने के लिए ये सजाई जाती है। तो आज की शाम भी कुछ ऐसे ही अनोखे ख्वाब के साथ सजाई गई, एंड अब वो पल आ चुका है जब ब्राइड एंड ग्रूम अपनी परफॉर्मेंस यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ एक साथ जोरदार तालियां हो जाएं, नन अदर देन फॉर अंकित एंड बनती, एक सुनानी है, आती नहीं है, मैं सिखाऊंगी। तालियां हो जाए अंकित जी, मैं बोलूंगी आपको रिपीट करना है, पर मैडम को देखते हुए बोलना है प्यार से। जैसे सलमान को कैटरीना पसंद है, शर्मा गई है तो बोलो बोलो। जैसे सलमान को कैटरीना पसंद है, प्यार से बोलो यार, डर जाएगी लड़की हमारी। जैसे सलमान को कैटरीना पसंद है, जैसे सलमान अपडेट्स हैव बीन अप्लाइड, और जैसे शेफ को करीना पसंद है, जैसे शेफ को करीना पसंद है, और जैसे विराट को अनुष्का पसंद है, और जैसे विराट को अनुष्का पसंद है। इतने दूर क्यों आते जा रहे हो यार, उसके पास खड़े हो, डर लग रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ, मुझे सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत पसंद। बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद तो कौन पसंद है? नाम नहीं बोलो, अभी से डर रहे लड़का, नाम लेने में। पलक पसंद है भाई, क्यों ना पसंद है, इतनी खूबसूरत बीवी। तालियां हो जाए एक बार हमारे कपिल के लिए, बहुत बहुत खूबसूरत हो आप दोनों एक साथ, बहुत प्यारे लग रहे हो। इन ईश्वर से, परमात्मा से एक ही दुआ प्रार्थना है कि आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। बहुत ही धमाकेदार लाठी वाड़ी लेकर के हमारे गबरू जवान आ चुके हैं स्टेज पे, एंड तालियां हो जाए जोरदार, क्योंकि ये लाठियों से मेरी पिटाई बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनकी बीवियां इनके साथ हैं, और बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस होने वाली है, जिसका नाम है ठाड़े रही हो यार। मतलब ठाड़े ही रहेंगे तो कैसे डांस होगा, देखते हैं आज। एक बार तालियां हो जाए।
साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारी खूबसूरत लेडीज हैं, तो परिवार की जितनी भी बहुएं जिन्होंने अभी परफॉर्म किया था, एक बार स्टेज पे आ जाइए प्लीज, आप लोगों से थोड़ी सी मस्ती हो जाए, तालियां हो जाए एक बार हमारे घर की ब्यूटी के लिए। ओए होए हो जाए एक बार सामने से सभी की, क्या बात है। चलेंगी और धूम धड़ाके के साथ जाएंगी और अच्छा डांस हमारे परिवार में कोई करता है और वो कोई और नहीं, हमारे अपने मामा जी हैं। तालियां हो जाए एक बार जोरदार, जोरदार तालियों के साथ और शोर के साथ हम पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं हमारे घर के मामा जी को, जो कि आप सबके बीच में धमाकेदार परफॉर्मेंस लाने वाले हैं एवरीवन। और ये आज की शाम की आखिरी जी की, जो कि बहुत देर से छुपे बैठे थे तो उन्हें ढूंढ लिया गया है और अच्छा बहुत दूर से भी आए हैं, तो अब तो डांस बनता है और बहुत सारा डांस बनता है, तो दीदी जीजा जी के लिए ताली। देखा है तुझे
को जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे